नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। शहर में जगह जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर किए गए कार्यक्रम आयोजित। चांडिल अनुमंडलीय न्यायालय में कोर्ट परिसर में अवैध तरीके से कोर्ट फीस टिकट की बिक्री, लोग दुगने दरों पर खरीद रहे कोर्ट फीस टिकट। एसएससी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने और परीक्षा रद्द होने पर छात्र संघ ने सीएम हेमंत सोरेन का किया पुतला दहन। और झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना के सूची में गड़बड़ी, ग्रामीणों ने पटमदा के वीडियो कार्यालय का किया घेराव। खबरें विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनतंत्र मोर्चा जमशेदपुर महानगर के तत्वाधान में जिलाध्यक्ष सुभोष श्रीवास्तव के नेतृत्व में सीताराम डेरा पार्टी कार्यालय परिसर में उनके चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिलाध्यक्ष ने महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन के विभिन्न प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में केंद्रीय महासचिव संजीव आचार्य, जिला महामंत्री मनोज सिंह उज्जैन, कुलविंदर सिंह पन्नू, जिला मंत्री विकास गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रकाश कोय, उलडी मंडल अध्यक्ष प्रेम सक्सेना, गोलमोरी मंडल अध्यक्ष कैलाश झा, बिरसानगर पूर्व मंडल अध्यक्ष शंकर कर्मकार, लक्ष्मीनगर मंडल अध्यक्ष विनोद राय, भरत पांडे इत्यादि प्रमुख कार्यकर्ता शामिल थे। इधर चांडिल अनुमंडलीय न्यायालय में कोर्ट परिसर में अवैध तरीके से कोर्ट फीस टिकट बिक्री चल रहा है, जिससे आम लोगों को कोर्ट फीस टिकट को दुगने दरों पर खरीदना पड़ रहा है, जिसे लेकर सरल विश्व सहायता मंच चांडिल के अध्यक्ष विश्वनाथ कालंदी ने चांडिल अनुमंडल कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए 300 रुपए की कोर्ट फीस टिकट की आवश्यकता पड़ती है, आम लोगों को 600 रुपए की राशि भुगतान करना पड़ता है। वहीं विश्वनाथ कालंदी ने बताया कि चांडिल अनुमंडलीय कोर्ट पिछले 2 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, परंतु कोर्ट फीस टिकट की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। इस मामले पर चांडिल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव ने भी कोर्ट फीस टिकट की समस्या पर दुख प्रकट किया और बताया कि 3 वेंडर हैं, जिससे सरकार के द्वारा अधिकृत है, उनके द्वारा कार्य नहीं किए जाने के कारण समस्या आन पड़ी है। साथ ही कोर्ट पुनरूप से संचालित किया जा रहा है, पर कोषागार नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार के टिकट के लिए सरायकेला कोषागार पर निर्भर होना पड़ता है। वहीं कोर्ट फीस टिकट के अवैध कारोबार को रोकने और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे अधिवक्ता के साथ वार्ता करने और वेंडरों के साथ बैठक करने के बाद चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी गिरजा शंकर महतो ने की और आश्वासन दिया कि जल्द ही मामले का निष्पादन किया जाएगा। वकील जो हमारे बार एसोसिएशन के लोग हैं, वो उन्होंने मेरे कार्यालय में आवेदन दिया है कि यहाँ पे स्टाम्प जो है, टिकट्स वगैरह मिल नहीं रहा है, इसमें कोर्ट का काम जो है सुचारू रूप से वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो इस संबंध में उन्होंने जो आवेदन दिया है, मैंने उपायुक्त महोदय को फॉरवर्ड कर दिया, अग्रसारित कर दिया है और उनसे हम लोग बात भी कर लेंगे। उधर एसएससी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने और परीक्षा रद्द होने का विरोध करते हुए छात्र संघ ने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। काशी साहू कॉलेज सरायकेला छात्र संघ के द्वारा कॉलेज मोड में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर मौजूद छात्र संघ के प्रकाश महतो, लक्ष्मण महतो, रोशन प्रभाकर, दिव्यांशु, प्रद्युम्न शंकर, जगन्नाथ वासुदेव, सुरेश एवं शत्रुघ्न सहित उपस्थित अन्य सभी छात्रों ने बताया कि इतने वर्षों के इंतजार के बाद जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई। छात्र परीक्षा देकर घर तक भी नहीं पहुंचे थे कि परीक्षा के पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में हेमंत है तो हिम्मत है का नारा लगता है, उसी राज्य में एक लंबे समय से इंतजार लंबित परीक्षा प्रत्यक्ष पारदर्शिता के साथ परीक्षा लेने में असफल रहा है। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। आज हम लोग इतने सालों से जिस परीक्षा का इंतजार करके रात दिन मेहनत करके आज एग्जाम देने गए, अगर जिस राज्य में हेमंत है तो हिम्मत है का नारा लगता है, उस राज्य में एक तो एग्जाम इतना साल इंतजार करने के बाद भी वो मतलब पारदर्शिता रूप से एग्जाम नहीं हो पाती है, बच्चे एग्जाम देके अपने घर भी नहीं पहुंचते हैं और नोटिस निकलता है कि एग्जाम रद्द हो गया, तो कहीं ना कहीं हम छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमने तो ईमानदारी से इतने साल मेहनत किए, मेहनत के बाद अगर एक प्रत्यक्ष रूप से एग्जाम नहीं लिया जा सकता है तो आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं अभी छात्र विरोधी और छात्र विरोधी किस तरह का कार्य हो रहा है। सीधे तौर पर एक चीज कहना चाहते हैं कि हम छात्रों का भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
इसी से साफ संदेश नजर आ रहा है कि हेमंत जी जो कहते हैं ना मुर्गा पालिए और बकरी पालिए, इसी से युवा अभी उधर अग्रसर होने के लिए उतारू होंगे, क्योंकि एग्जाम तो होने वाला नहीं है। एग्जाम भी कराइएगा और आपका इधर लीक भी होना है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, हमारे पास 15 लाख 20 लाख रुपए तो है नहीं जो 20 लाख देके हम नौकरी ले लें या कोई कारोबार शुरू कर लें। सरकार जो कहती है कि हम लोन दे रहे हो तो कुछ होने वाला नहीं है, हमारे भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो गया है। इसी के लेकर आज कांसी साहब कॉलेज छात्र संघ हेमंत जी जो राज्य के मुखिया है उनका पुतला दहन किया गया है। वहीं झारखंड सरकार की योजना अबुआ आवास जो पूरी तरह से विफल दिख रहा है, ग्रामीणों ने बीडीओ कार्यालय का घेराव किया। पूर्वी सिंहभूम जिले के जुगसलाई विधानसभा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पटमदा बोड़ा में विशेष रूप से हो रही है सूची में गड़बड़ी। आज पटमदा ब्लॉक में बीडीओ कार्यालय का घेराव किया गया। विमल मैठा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने घेराव किया और बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। पटमदा प्रखंड के लोग हर गांव से यहां उपस्थित हुए हैं। इनका साफ साफ कहना है कि हर जगह में अबुआ आवास को लेकर गड़बड़ी किया जा रहा है, एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है। ये जो सरकार कहाँ है ये तो खुद नहीं पता, अभी तक हम लोग को ये नहीं पता चल रहा कि मुख्यमंत्री भी लापता है, तो ये कैसे हम लोग बता सकेंगे कि हमारा आवास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज जो ये गड़बड़ी हो रहा है, जो सूची बना है उस सूची में कहीं जो ज़रूरतमंद है उसका नाम नहीं है, तो इसका मतलब क्या बन रहा है? क्या आप यहाँ पे लॉलीपॉप देके आप लोगों को बरगड़ाना चाहते हैं? आज ग्रामीण आपके ऊपर भरोसा करके आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं और आप इस प्रकार का राजनीति कर रहे हैं हमारे साथ में। ये आज भी गरीब आदमी आज भी लकड़ी काट के खा रहा है, इनके पास रोजगार है, आज युवा दर दर भटक रहे हैं। आप कल ही देखिए, कल एग्जाम था JCC का, वो भी रद्द कर दिया गया। तो ये क्या हो रहा है इस झारखंड में? झारखंड हमने जो सोचा था एक नया विकास पुनः आएगा, झारखंड आज कहीं ना कहीं इसमें समाप्त होते हुए दिख रहा है। कोई साधन नहीं दिख रहा है, लोगों का स्थिति बहुत गंभीर हो गया है। हम लोग ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग ब्लॉक में उपस्थित हुए हैं, पटमदा ब्लॉक में सभी ग्रामवासी सुंदरपुर के यहाँ उपस्थित हैं और हर एक व्यक्ति यही जवाब चाहता है कि कब तक हमारे साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार होगा और कब तक हम चुप बैठेंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं स्वतंत्र फेडरेशन सभी संयुक्त मोर्चा के द्वारा सांची गोल चक्कर पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई, जहां उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। 30 जनवरी को पूरे देश भर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शहादत दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं स्वतंत्र फेडरेशन सभी संयुक्त रूप से एक मंच पर आकर सांची गोल चक्कर में महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। जानकारी देते हुए यूनियन अध्यक्ष अंबुज ठाकुर ने कहा कि भारत वर्ष को महात्मा गांधी के सोच वाला देश बनाना है, उनके बताए मार्ग पर और उनके सपनों का देश बनाना है। आज आपसे अपील करेंगे कि पूरे देश में जो गांधी का सपनों का भारत, जो गांधी के विचार को मानने वाले लोग, जो गांधी के एकरूपता बनाने वाले लोग, जो गांधी का अपन के साथ साथ पूरे समाज में जो भाईचारे का संदेश, ये तमाम चीजों को जो कुचलने की स्थिति आज की जा रही है, हम लोग उसका खिलाफ करेंगे। एक तरफ गांधी को पूजने वाले लोग भी हैं और दूसरे तरफ वोट से जैसे लोग जो आज शर्मिंदा हैं, हम लोग गांधी के कत्ल करने वाले लोग आज जिंदा हैं, ये कह करके उनके विचारों को कुचलने की तैयारी जो हो रही है, हम उनके सपनों को साकार नहीं होने देंगे। और बिष्टुपुर स्थित जिसको श्रमिक यूनियन कार्यालय प्रांगण में UISL से सेवानिर्मित कर्मचारियों का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित जिसको श्रमिक यूनियन कार्यालय में UISL से सेवानिर्मित कर्मचारियों का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिसको यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने सेवानिर्मित कर्मचारियों को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रघुनाथ पांडे, अखिलेश राय, अमरनाथ तिवारी, मनोज पांडे, गोपाल जायसवाल समेत अन्य लोग उपस्थित थे। इधर 20 सड़क पर जिसको द्वारा गड्ढा कर छोड़ देने के संबंध में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। बाबा दुकान के सामने बारीगोड़ा तेलको में जिसको द्वारा पाइपलाइन का एक जंक्शन बनाया गया है जो कि अस्थायी है। जब पानी आता है तो वहां से पानी लीक करके पूरे रोड में बहता है, जिससे रोड में पानी जाम हो जाता है और लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। जंक्शन का पक्का काम नहीं होने के कारण वहां पर गड्ढा भी हो गया है। आए दिन छोटे बड़े दुर्घटना होते रहते हैं। इस संबंध में जुस्को के खड़ंगाझार स्थित कार्यालय में शिकायत की गई है और जुस्को को कानूनी नोटिस भी भेजा गया, मगर जुस्को द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी विषय में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर इस विषय पर अपना ध्यान आकर्षित करने का कार्य किया गया।
में जिसको पानी का सप्लाई देता है और सप्लाई का उन्होंने जो शुल्क होता है वो फीस पैसा वैसा वो लोग लेता है मंथली, और जो मेंटेनेंस होता है मेंटेनेंस के नाम पर वहाँ जीरो है। तो जगह जगह गड्ढा है, पानी बहता है, और सबसे बड़ा समस्या यहाँ बाबा दुकान के सामने मेन रोड में एक चैम्बर बनाया हुआ है जो अस्थायी रूप से, मैंने अस्थायी उसका नहीं किया गया है, डेली खोलता है डेली बंद करता है, और उससे पानी पूरा ओवरफ्लो होकर पूरे रोड में फैल जाता है। आए दिन बच्चा बूढ़ा गिरता है वहाँ पर, कंप्लेन लोकल जो है खड़ंगाजार ऑफिस है वहाँ पर लोकल ऑफिस में कंप्लेन किया जाता है, मगर जिसको का वहाँ पर जो बैठता है वो लोग बोलता है कि हमारे यहाँ मेंटेनेंस का कोई पैसा नहीं है, हम मेंटेनेंस नहीं करा सकते। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में पूरे राज्य के विभिन्न जिला अध्यक्ष बदले गए। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के भी जिला अध्यक्ष बदले गए। सांची स्थित पार्टी कार्यालय में नए जिला अध्यक्ष का भव्य स्वागत हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष कुंजन यादव की जगह पर पार्टी ने सुधांशु ओझा को नई जिम्मेदारी दी है। नई जिम्मेदारी मिलते ही जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा का सांची स्थित पार्टी कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ, जहां ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी के कार्यकर्ता नए जिला अध्यक्ष का स्वागत करते नजर आए। जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने कहा कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिपाही हैं, जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे पूरी ईमानदारी के साथ वे निभाएंगे और पार्टी हित के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। वहीं इस अवसर पर कोल्हान के पूर्व कमिश्नर सह भाजपा नेता विजय कुमार सिंह ने नव नियुक्त जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं शहीद दिवस के तौर पर मनाई गई महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, डीसी ऑफिस के सभागार में अधिकारियों व कर्मचारियों ने रखा 2 मिनट का मौन। जमशेदपुर में मंगलवार को शहीद दिवस मनाया जा रहा है। यह शहीद दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन मनाया जाता है। शहीद दिवस को लेकर सांची स्थित डीसी ऑफिस के सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर एडीसी जयदेव तिग्गा भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि मौन रखने वालों में डीसी ऑफिस के अधिकारियों के अलावा कर्मचारी भी शामिल थे। इसमें शहीद पुण्यतिथि पर मौन रखने का आदेश झारखंड सरकार का आया था, उसी के आलोक में हम लोग यहाँ पर मौन रखे हैं। 2 मिनट का मौन रखा गया और सभी विद्यालय में भी मौन रखा जाएगा, और शहीदों के बारे में विस्तृत से वाद विवाद प्रतियोगिता होगा उसके बारे में बताया जाएगा। सभी विद्यालय में पत्र चला गया, अपना अपना प्रोग्राम वो लोग कर रहे हैं। सभागार में आयोजन किया गया था मौन रंग, सभी कर्मचारी और कर्मी लोग जो है सरकारी उन लोगों के साथ बैठ करके 2 मिनट का मौन रखा गया था। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। ये कैलॉन जो नाम है ये ग्रीक गॉड ऑफ ब्यूटी का नाम है, तो उनका चेहरा भी है हमारे लोगों में। और जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है सत्या कैलॉन टावर के नाम पे, हमारा जो भी प्रोजेक्ट आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन, तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 बनेगा, इसमें जिम प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से है, हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं।
बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में, तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते। गोलछा साड़ी सेंटर, गोलछा साड़ी सेंटर अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मानगो जवाहर नगर स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय प्रांगण में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानगो जवाहर नगर स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय प्रांगण में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता अंसार खान ने बताया, पूरे भारत में, बल्कि मैं कहूँगा पूरे हिंदू, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के लोग बसे हुए हैं और काफी जो हिंदुस्तान में आवाम और पब्लिक भी है, दूसरे देशों की भी है, वो भी आज 30 जो जनवरी है, आज शहादत दिवस मनाया जा रहा है। आज मानगो क्षेत्र में तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो उनका माल्या सब पढ़ किया गया है और इसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जो हम आजाद हिंदुस्तान में आजादी से रह रहे हैं, आज महात्मा गांधी की ही देन है, जो पूरे का नाम है अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर आज हिंदुस्तान को जो आजाद किया। मैं मौलाना अंसार खान, विधायक प्रतिनिधि और पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी जिला उपाध्यक्ष, जमशेदपुर, झारखंड। वहीं श्री शिव महापुराण कथा की तैयारी जोर शोर से शुरू है। 5 फरवरी से 9 फरवरी तक होने जा रहा है शिव महापुराण कथा जमशेदपुर, झारखंड में। इस शिव महापुराण कथा में भक्त जन शिव भक्ति में लीन है। कथा का मुख्य आकर्षण का केंद्र कथावाचक होंगे, जो पंडित प्रदीप मिश्रा है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है। साथ ही 50,000 भक्त जनों की बैठने और कथा श्रवण करने की तैयारी समिति द्वारा की जा रही है। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान रंजिता वर्मा ने बताया कि 5 लाख भक्त जन आएंगे तब भी उनके लिए समिति तैयार है। पार्किंग भजन स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर होगी। साउंड बॉक्स की आवाज ऐसी रहेगी कि सभी को इस बड़े ग्राउंड में स्पष्टता से कथा सुनाई दे पाए। कथा स्थल डोबो का काजू बगान है। ये 5 फरवरी से 9 फरवरी तक कार्यक्रम है। सुबह 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है, जिनके मुखारविंद से हम लोग को ये कथा सुनने की सौभाग्य प्राप्त होगी। इधर बिष्टुपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स ग्राउंड में कल भिड़ेंगे जमशेदपुर वर्सेस नॉर्थ ईस्ट के फुटबॉल खिलाड़ी। मैच की तैयारी पूरी। बिष्टुपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स ग्राउंड में कल जमशेदपुर वर्सेस नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ी भिड़ेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर टीम के कोच खालिद जमीन ने कहा कि मैच के मद्देनजर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। सीनियर इंडियन प्लेयर लोग अच्छा कर रहा है, कॉन्फिडेंस उन लोग को मोटिवेट किया है बस। बाकी मैंने बोला कि नेशनल गेम खेल, मोटिवेट किया और लकीली उन लोगों ने रिजल्ट अच्छा था, सुपर कप है, बस ऐसे कंटिन्यू करना है क्योंकि फर्स्ट मैच बहुत ज़रूरी है और जैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं वैसे करेंगे। कल के मैच में ध्यान रखा, बाकी के मैच में जीत गए, बाहर कल के मैच बहुत इम्पोर्टेंट है, होम ग्राउंड है, सो वी मस्ट गेट गुड पॉजिटिव रिजल्ट, ये जरूरी है, गुड स्टार्ट। एंड जैसे हम लोग ने किया है वो
उनके साथ में लास्ट फर्स्ट मैच में हारा है, तो दिस टाइम शुड बी गुड। और हम लोग इजी नहीं रहे बिकॉज वो लोग भी अच्छा टीम है, नो डाउट उन लोग के पास भी अच्छा प्लेयर है फॉरनर इंडियन, सो हम लोग के लिए इजी गेम नहीं होना, सो वी हैव टू बी ऑन टॉप। उधर एस्पायर जमशेदपुर एक गैर सरकारी संगठन है जो 2004 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत और राष्ट्रीय विकास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के तहत आयोजित किया गया है। यह बौद्धिक दिव्यांग के अभिभावकों द्वारा बनाया गया है, इसमें 460 से अधिक अभिभावक सदस्य के रूप में शामिल है। इस संस्था को इस क्षेत्र में 5 राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त है। इसी संस्था और टाटा पावर से GSR से संगीता ओझा के द्वारा आज पूर्व हलुदबनी पंचायत मंडप में ग्रामीणों के बीच एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को ऑटिज्म के बारे में बताया गया और ऑटिज्म बच्चे की देखभाल किस तरह से की जाए इसे लेकर जागरूक किया गया। आज हम लोग इस पंचायत में अपने ऑटिज्म को लेकर एक शिविर किए हैं, जिसकी वजह से कि यहाँ के लोगों को ऑटिज्म को लेकर थोड़ा सा डर रहता है और वो बताते नहीं है कि हमारे बच्चे ऑटिज्म के हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो ये है। तो उनको हम लोग एक बता रहे हैं कि ऑटिज्म एक क्योर बीमारी है, बीमारी नहीं है ये, इसको क्योर किया जा सकता है। बच्चे को हम समझाएंगे और ऑटिज्म क्यों होता है, कब ख़राब खाना खाने से, माहौल ख़राब रहने से, तो इस चीज़ को कम किया जाए और लोगों में इस चीज़ को लेकर जागरूकता हो, इसके लिए हम लोग ये शिविर किए हैं, जिससे कि लोगों में ये जानकारी हो कि ऑटिज्म के को कैसे ठीक किया जा सकता है, अपने बच्चे जो ऑटिज्म के बच्चे हैं उनको हम कैसे ट्रीटमेंट दें कि वो एक आम नागरिक की तरह जीवन व्यतीत कर सके। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर करंडी में स्वच्छता सह ट्रैफिक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत दक्षिण करंडी द्वारा आयोजित इस रैली में काफी संख्या में महिलाएं शामिल थी। इस दौरान महिलाओं ने करंडी दक्षिण पंचायत भवन से लेकर प्रखंड कार्यालय तक रैली निकाली और जगह जगह सफाई अभियान चलाया। दुकानदारों से अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील की गई, साथ ही कचरा फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया। कई स्थानों को नो पार्किंग जोन के रूप में भी चिन्हित किया गया और टेम्पो व बस चालकों को उक्त स्थान पर वाहन नहीं खड़ा करने का निर्देश महिलाओं ने दिया। रैली का नेतृत्व कर रही दक्षिण करंदी की मुखिया सरस्वती टूडू ने बताया कि करंडी चौक में रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती थी, इस कारण से कुछ एक स्थान को चिन्हित कर नो पार्किंग जोन बनाया गया है ताकि वहां वाहन खड़ा ना हो और जाम की स्थिति ना बने। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। शहर में जगह जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर किए गए कार्यक्रम आयोजित। चांडिल अनुमंडलीय न्यायालय में कोर्ट परिसर में अवैध तरीके से कोर्ट फीस टिकट की बिक्री, लोग दुगने दरों पर खरीद रहे कोर्ट फीस टिकट। एसएससी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने और परीक्षा रद्द होने पर छात्र संघ ने सीएम हेमंत सोरेन का किया पुतला दहन। और झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना के सूची में गड़बड़ी, ग्रामीणों ने पटमदा के वीडियो कार्यालय का किया घेराव। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।